अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली क्रिकेट इन्फो। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। न्यू कोचेस के आते ही मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद आमिर को जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया था, उन्होंने ही मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करवा दिया। क्या डिटेल्स हैं वीडियो में मुकम्मल आपको बताते हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से नए व्यूअर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपके पास आती रहे। नाजरीन, मोहम्मद आमिर ने टीम में वापसी करते ही नजम सेठी और शाहिद फरीदी का एक दफा फिर से शुक्रिया अदा कर दिया। इनका कहना था कि मैंने जब पहले वापसी की थी तो उस वक्त नजम सेठी और शाहिद फरीदी ने मुझे सपोर्ट किया था और अब भी सेठी साहब ने मुझे सपोर्ट किया है। नाजरीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले जाए कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी हो चुकी है। ऐसे ही समझे, पहले मोहम्मद आमिर पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्रैक्टिस पर भी पाबंदी लगाई गई थी और ये पाबंदी 3 साल से थी, लेकिन नजम सेठी के चेयरमैन बनते ही मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल हाई परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई है। नाजरीन, नजम सेठी ने चेयरमैन बनते ही मोहम्मद आमिर के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था। उनका कहना था कि अगर मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और PSL में, तो मोहम्मद आमिर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी कर सकते हैं। आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दें, क्या मोहम्मद आमिर को वापसी करनी चाहिए या नहीं।